प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा सरकार के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जन आक्रोश यात्रा बदनावर विधानसभा में 24 तारीख को धरसीखेड़ा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस धार जिलाध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार के नेतृत्व में पूर्व जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम के मार्गदर्शन में जन आक्रोश यात्रा 2000 बाइक और सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर बैठक रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर उपस्थित रहे। बाल मुकुंद सिंह गौतम ने यात्रा को लेकर जिम्मेदारियां दी गई। पूर्व जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा को लेकर बैठक रखी गई थी, जिसमें यात्रा प्रभारी मनीष बकोडिया और सह प्रभारी पारितोष सिंह राठौर बांझी बना को बनाया गया है। जन आक्रोश यात्रा रविवार को बदनावर विधानसभा में प्रवेश करेगी, जिसमें जिले में कांग्रेस के सभी विधायक और यात्रा प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, यात्रा सह प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, उमंग सिंघार, रवि जोशी, संगठन प्रभारी निर्मल मेहता सहित कई विधायक और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भैसोला में नुक्कड़ सभा होगी और बदनावर बस स्टैंड पर आम सभा होगी। कानवन, नागदा, सदलपुर में रथ सभा होगी। बदनावर नगर में प्रवेश के पहले राणा पूजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके पश्चात यात्रा शीतला माता बस स्टैंड, सभा मंच, मोदी चौराहा, अंबेडकर चौराहा, बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां पर आम सभा होगी। राजेश चौहान की रिपोर्ट। क्या तैयारियां चल रही है बदनावर? आज हमने कार्यालय में सभी हमारे और जनपति दिल्ली बता रहे हैं, प्लस जो है पदाधिकारी बता रहे हैं, हम सबों ने मीटिंग कर ली है। और जो जन आक्रोश यात्रा आ रही है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, तो हम लोग एकजुट होकर के सारे लोग मिलकर के जन यात्रा को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मेरा जनता से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, जनपति जी सबसे अनुरोध है कि वो सब ज़्यादा संख्या में आकर के बढ़ा करके और जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाए। कहाँ कहाँ सभाएं आयोजित की जाएगी? हम धारसीखेड़ा से चलेंगे, भैसोला में एक सभा करेंगे, इसके बाद प्रॉपर बदनावर में, और बदनावर के बाद नागदा, नागदा के बाद सादलपुर, सादलपुर से लेबर निकलती है। यात्रा के साथ कितने लोगों के आने की संभावना है? कम से कम 2000 तो मोटरसाइकिल की हम लोगों ने और सैकड़ों गाड़ियों के साथ एक काफिला निकले।